अध्यक्ष मनोज गुप्ता का आगमन रविवार को गोरखपुर के सर्किट हाउस में हुआ, जहां पर व्यापारियों ने उपाध्यक्ष मनोज गुप्ता का माला पहनाकर व पुष्प गुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया कर्मियों से बात करते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि व्यापारियों के हित के लिए लगातार बोर्ड के सदस्य और पदाधिकारी जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी अधिकारी या विभाग द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में गोरखपुर के व्यापारी मौजूद रहे। भारत के जो पांच प्रमुख नगर कहे जाते हैं, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास और बेंगलोर, उन जैसी सुविधाएं हमें पूर्वांचल के प्रत्येक जनपद के अंदर चाहिए, ताकि यहां से प्रतिभा का पलायन किसी भी अन्य राज्य में अथवा किसी अन्य देश में किसी भी हालत में ना होने पाए। यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार मिले और ऐसा रोजगार मिले कि वो अपने आप में दुनिया में मिसाल हो। हमने पूर्वांचल के विकास के लिए साधारण दृष्टियां लगाने पर भी 25-35% की छूट जारी कर दी है। पूर्वांचल में 12 क्लस्टर हमने पास किए हैं, जिनमें 70% की छूट दी जा रही है, जिनकी एक क्लस्टर की लागत 10 करोड़ से 15 करोड़ के मध्य होती है कम से कम। उससे बड़ी इंडस्ट्री लगाने पर हमने 30% से 60% तक की विभिन्न सुविधाएं दिए जाने का प्राविधान कर दिया है। पूर्वांचल के किसी भी जनपद में अगर फूड प्रोसेसिंग की कोई यूनिट लगाई जाती है, चाहे डिब्बा बंद खाने की हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक की हो, अथवा किसी भी प्रकार के जूस की हो, और भी जो फूड प्रोसेसिंग की यूनिट है, चिप्स और तमाम चीजें हैं, उनमें जो भी यूनिट लगाई जाएगी उसको 70% का अनुदान दिया जाएगा। 10% की 1 रुपए यूनिट बिजली सस्ती दी जाएगी इन सारी योजनाओं में, और 10 वर्ष तक बिजली का सरचार्ज पूरी तरह से माफ रहेगा। एक कोल्ड स्टोर लगाने पर भी हमने 35% की सब्सिडी पहले वर्ष और 2 वर्ष पश्चात 15% की सब्सिडी दिए जाने का प्राविधान किया है। किसी भी शोषण उत्पीड़न को किसी भी व्यापारी के किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह पहला प्राविधान उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। इसके अतिरिक्त अधिकारी विवेक के आधार पर शोषण करते थे और टैक्स लगा देते थे, उस टैक्स लगाने के उनके अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब आज की तारीख में पिछले 24 अप्रैल से यह शासनादेश लागू है, किसी भी अधिकारी को विवेक के आधार पर टैक्स लेने का अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अगर किसी अधिकारी ने विवेक के आधार पर किसी भी व्यवसायी को ऊपर टैक्स लगाया, इसकी शिकायतें पूर्वांचल के कई जिलों से हम लोगों को प्राप्त हुई थी, इसी के नाते ये प्रवास लगा है, अगर किसी ने विवेक के ऊपर टैक्स लगाया तो उस धनराशि की वसूली उसकी तनख्वाह से करी जाएगी, उसके चरित्र पंजिका में भी प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी, साथ ही साथ और भी अनुशासन।